गाइस यहाँ पे बैठे हुए हम अभी थोड़ा थके हुए हैं तो थोड़ा मैगी वैगी खाएंगे। यहाँ पे मैगी पॉइंट है और उस साइड देख सकते हो आप कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे जाना मना है। यहाँ पे आप मैगी खाओ और वहाँ का नज़ारा देखो। क्यों? अच्छा, इधर कभी शेर वेर आते हैं क्या? ओके, आपने देखे हैं शेर यहाँ पे? ओके, तो गाइस यहाँ पे शेर आते हैं जो यहाँ के लोकल्स बता रहे हैं। हाँ, तो इवनिंग में कितने बजे तक खुला रहता है? 7-8 बजे तक ना, तो मतलब ज़्यादा रात को लोग यहाँ पे रुकते नहीं होंगे ना। तो यही है, यहाँ पे दिन दिन में आओ, अपना घूमो टहलो और शाम होने से पहले घर जाओ। और वरना कभी घर नहीं जाओ। और ये बताओ अभी दिन के कितना टाइम हो रहा है? सेलफोन तो मतलब 2 के आसपास बज रहे होंगे। 2-2.5 बज रहे होंगे। आप मतलब शहरों में यहाँ गर्मी से आप पकड़े होंगे, यहाँ पे मतलब मौसम बहुत अच्छा है, दिन में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फील नहीं होगा कि कोई ऐसे गर्मी हो रही है। इवन घर में भी हम यहाँ पे फैन बहुत कम चलाते हैं, जबकि वहाँ तो आप एसी चला रहे हो अभी। तो दिल्ली में तो वैसे ही स्मॉग फैला हुआ है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अभी मैगी बन रही है, उसका भी वेट कर रहे हैं। कैसी लग रही है राहुल, गर्मा गर्म में मैगी? अभी मैं पहली बाइट मैगी में बाइट तो नहीं कह सकते, बट ठीक है। तो मैं वो लेने जा रहा हूँ। तो ये देखो, अच्छी है बहुत मैगी, बहुत बढ़िया है। लोगों को भी बताओ ना कैसा यहाँ पे फील कैसा हो रहा है। मैगी तो सेम होती है। हाँ, सही बात है, मैगी तो सेम है। सेम है, लेकिन फील का मतलब इस एनवायरनमेंट में, इस माहौल में, मतलब सूरज की रोशनी इधर से आ रही है और पहाड़ों के बीचों बीच बैठ कर अब पेड़ों के बगल में आप मैगी खा रहे हो, उसकी बात ही अलग है। तो गाइस मैगी तो सभी ने खाई होगी लेकिन बस ये है कि जगह जगह का अंतर होता है। आप कहीं और बैठ के खा रहे हो, हम यहाँ बैठ के खा रहे हैं। अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, हर कोई अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं। आप अपने घर में बना के खाइए अभी। अभी वही फील लो ये वाली वीडियो देख के, घर में बनाओ और ऐसा मतलब आपको फील होगा कि आप यहीं हो, क्योंकि हम भी आपके साथ हैं। ये भी बहुत अच्छी जगह है घूमने लायक। घूमने लायक क्या है, रास्ते में जाओगे आपको पड़ेगी, बिल्कुल सीधा सीधा जाना है। ये सारा देखिए, ये आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी, उसकी शूटिंग भी हुई है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे, ये दिखाता हूँ आपको, ये टाइगर आता है यहाँ पे पानी पीने।
तो गाइस यहाँ पे ना ये देखिए व्यू देखिए पीछे का, ये सारा आपको पूरा उत्तराखंड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अंकित तो यहाँ पर काफ़ी बार आ चुके हैं लेकिन मैं पहली बार आया हूँ तो ये तो बहुत बार बोल चुके नहीं तो अंकित अब मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंकित के लिए तो वैसा एक्सपीरियंस है कि हाँ वो आता रहता है तो उसके लिए नॉर्मल सी बात हो गई, पर मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ जो पहली बार यहाँ पे आया उसको क्या फील हो रहा है इसलिए मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। तो गाइज मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तो ये सारे पीछे आपको ये पूरा ये देख रहे होंगे, आप व्यू देख रहे होंगे हमारे पीछे पूरा पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, ये देखो हमारे पीछे देख रहे होंगे। तो कुमाऊँ और गढ़वाल और हर मतलब अभी आप आगे जाएंगे, अभी तो हम अभी कवर नहीं करेंगे आज, लेकिन कभी अगले दिन आपको कहीं कुमाऊँ भी ले जाएंगे, गढ़वाल भी ले जाएंगे, पूरा उत्तराखंड घुमाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा व्यू है देखिए, और यहाँ पे नीचे का भी व्यू जरा दिखा दो अगर हो सके तो कैमरा थोड़ा करके। यहाँ पे नीचे गाय हैं, हाँ नीचे गाय हैं लेकिन ये थोड़ा रिस्की है तो राहुल मेरे को ये थोड़ा रिस्क में डालना चाह रहे अब मैं अब राहुल को लगता है मैं उत्तराखंड से हूँ तो मेरे को उड़ना भी आता होगा लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन नीचे का व्यू फिर भी आपको दिखा देते हैं। जब पानी आता तो पूरा भर जाता होगा ना? हाँ जब यहाँ पे पानी आता है तो नीचे पानी, तो इसीलिए यहाँ पे नीचे जैसे गाय पानी जानवर जितने भी होते हैं पानी सब नीचे रहते होंगे। यानी इन झाड़ियों में पॉसिबल है कि शेर वगैरह सब आराम से यहाँ पे ये देखा जाए तो पूरा एक तरीके से कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसको पूरा कवर करना है मुश्किल है। आप पूरा कवर नहीं कर सकते। जो दिख रहा है ये कुछ मंदिर वंदिर से या फिर कोई गाँव होगा वहाँ पे? तो गाइज ये है पूरा व्यू दिखाई दे रहा होगा आपको, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक का सारा पहाड़ों की बहुत सारी, तो आगे जाके बहुत दूर है तो चेन है यहाँ पर ये पहाड़ों की। हाँ तो वहाँ पे छोटे छोटे गांव भी हैं एक्चुअली, वहाँ पे भी हम जाएंगे आगे, सारी वीडियोस दिखाएंगे एक एक करके। तो गाइस ऐसे हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और ये राहुल है तो राहुल भी अपनी कुछ बातें यहाँ की इंटरेस्टिंग यहाँ के कैसा जो मेरा एक्सपीरियंस होगा ऑर्गेनिकली वो मैं आपको बताता वो आपको ना? और मैं तो उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ तो मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि कोई आपको नॉलेज वाली चीज़ें यहाँ पे मिले, क्योंकि यहाँ पे केवल पहाड़ ही नहीं है, पहाड़ के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं। तो शायद आपको जान के मतलब हैरानी हो कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप आओगे तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही जगह, जैसे नैनीताल हो गया और ऋषिकेश, तो ये तो बड़े ये तो फेमस जगह है तो यहाँ पे लोग आते हैं। हम ऐसी जगह जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे कोई गया ना हो, आपको ऐसी जगह दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इतने सारी जगह जैसे ऑलरेडी घूमे हो तो भाई नई चीज़ आदमी देखने की कोशिश करता है ना, अब नई चीज़ देखने की कोशिश करेगा तो वो उसे लगेगा कि यार यहाँ तो मैं घूम चुका हूँ, फिर दोबारा तो ऐसे नई चीज़ें आप देखोगे, कोई दूसरा गांव देखोगे आपको लगेगा यार ऐसा भी कोई जगह है तो आप जाओगे। बहुत सी ऐसी जगह जो कि कहीं आपको मिलेंगी नहीं, गूगल में नहीं मिलेंगी कि हाँ घूमने, पर वो हैं तो हम उन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे इस चैनल के थ्रू। तो गाइज हमारे से चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर तो जितना हो सके करिए, क्योंकि देखो बस मैं तो कह रहा हूँ शेयर करो चलो ओके ओके ओके।